SSB Experiments. वेलकम फ्रेंड्स, SSB एक्सपेरिमेंट्स। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स जो वीडियो आज बनने रही काफ़ी अच्छी, तो वीडियो में सिर्फ आपको दो लड़कियों की ज़रूरत है, सॉरी लकड़ियों की ज़रूरत है वीडियो में नहीं, प्रोजेक्ट में। देख लीजिए ऐसी दो लड़कियां, वो लकड़ियां ले ली है हमने जो कि काफ़ी मोटी हैं, बहुत खाती हैं, फैट हो चुका है इनको। तो अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। वीडियो में साथ बने रहो, सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक साइज की एक जैसी ही लेनी है, और इस तरीके से आपको किसी भी प्लेन जगह पर रख लेना है इसे। जी मेन स्टेप है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसा कब्जा जो कि दरवाजों में लगा होता है, जो आपको आसानी से हार्डवेयर की दुकान पर, किसी भी शहर में आप रहते हैं, हार्डवेयर की दुकान पर आपको आसानी से ही मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से रखना है इसे, और बाद में मार्किंग कर लेनी है। तो पहले मार्किंग कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स वैसे इसमें 6 स्क्रू का ऑप्शन होता है, लेकिन मैं 4 स्क्रू, हिंदी में जिसे पेच भी कहते हैं, वो मैं 4 लगाऊंगा। तो काफ़ी मुश्किल से लगाने पड़ते हैं, सबसे मुझे मुश्किल काम तो यही लगता है, क्योंकि कभी जो टेढ़े लग जाते हैं, कभी लगते ही नहीं, या कभी बहुत टाइट होते हैं। तो फिर भी कर ही लेता हूँ मैं आपके सपोर्ट की वजह से। आप अगर हमारे साथ बने रहो तो हमें किस बात का डर है। फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार रखना, और वीडियो में बने रहो, वीडियो मत छोड़ कर जाना। तो इस तरीके से आपको दरवाजे टाइप बना लेना है, ठीक है। ये एक प्रिंटर टाइप और लैपटॉप टाइप भी मुझे लग रहा है। तो प्लेन होना चाहिए, वैसे लकड़ी काफ़ी प्लेन होनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छा काम करेगी, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आप भी ऐसी कोई ले सकते हैं। और यहाँ पर साइड्स पे एक भी लकड़ी, किसी भी लकड़ी के साइड्स पे आपको स्क्रू लगा देने, यानी कि पेच, ठीक है, दोनों तरफ। कैसे? ऐसे देख लीजिए। अगर आपके देखने के लिए बनाई है वीडियो, आप ही देखोगे यार हमारा काम क्या है, हमें बस आपके लिए कुछ ना कुछ सिखाना है। और आप अगर ना ही सीखोगे तो हमें कैसे लगेगा यार हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा, अगर आप हमारी वीडियो को पूरा ही नहीं देखोगे तो। फ्रेंड्स किसी की जो क्लैरिटी वीडियो की, उसे देखकर अंदाज़ा मत लगाया करो, वो क्या चीज़ बनाकर आपके सामने लेकर आया है, उस पर चीज़ ध्यान रखा करो, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाइक्रोम वायर लगा दिए, जो कि किसी भी एलिमेंट से आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैंने नाइक्रोम वायर यूज़ किया है, जो मैंने शोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट से निकाल लिया है, ख़राब शोल्डरिंग आयरन के। नहीं मत तोड़ देना, बाप से बहुत गालें पड़ेगी आप सबको। तो इस तरह से तारें लगाकर इस नट को पूरा टाइट कर देना है। फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आता है मुझे आपके साथ बात करने में, लेकिन आप तो जवाब ही नहीं देते, क्या करूं यार, व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ मैं, क्या आपको। सॉरी फ्रेंड्स, लगता माइक ऑन था। चलो इस तरीके से कागज को हम चिपकाना है, किसकी हेल्प से? इस फेविकोल की हेल्प से। कितनी घटिया फेविकोल है, चिपकती ही नहीं है। अरे यार माइक बंद कर दिया कर। सॉरी फ्रेंड्स, लगता फिर माइक ऑन था। जी हमारा जो एडिटर है ना, ये काफ़ी यह मुश्किल करता है। देखो इस तरीके से चिपका दिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से कुछ नया। और इस तरीके से आप कोई भी गत्ते की हेल्प से आप इसको घस लेना, मैंने इस तरह से घस, आप हाथ से भी घस लोगे, आपके हाथ काफ़ी मुलायम हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये ऐसा काम करो तो काफ़ी कठोर हो जाएंगे। तो गत्ता चाहिए आपको कोई भी गत्ता, समझते हो ना? समझते हो यार, आप मुझसे ज़्यादा हो, मैं तो फिर भी मामूली सा आदमी हूँ भाई। अरे चिपके जा रहे तेरी, ओहो गाल नहीं कटनी। मेरी हिंदी पंजाबी को देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। तो इस तरीके से मैंने चिपका दिया इसको अच्छे से। नाउ मैं इसके 9 वाट दे चुका हूँ अपनी सप्लाई से, आप बैटरी से भी दे सकते हैं। और इसका टेस्टिंग टाइम है, देखिए मैंने एक इस प्रकार का लिया है पॉलीथीन,
और ये पॉलीथीन देखिए चिपक चुका है, काफ़ी अच्छी सीलिंग हुई है जैसे बीआर में हुआ करती है, और ये काफ़ी मजबूत सीलिंग हुई है, माड़ी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो देखते हो अच्छी बात है, कुछ सीखते हो वो भी अच्छी बात है, अगर घर पे करते हो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ये तो बुरी बात है ना। देखो कितने अच्छे से चिपका है फ्रेंड्स, काम की चीज़ है, मेरे तो बहुत काम आएगी, मैं इसमें नट बोल्ट्स चिपका चिपका कर रख दूँगा, वरना गांठ मार मार कर मैं कितनी बार आ चुका था, कभी इसको खोलो कभी मेलो। मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने दुख में आ गया था, अपने दुखड़े सुनाने लगा था, लेकिन अब मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी है दुनिया की लौकिक शक्ति, ये मशीन जो मैंने खुद में बनाई है। आप इसकी पावर देखो, मेरी आवाज़ मत सुनो, सुनो यार क्यों ना सुनो, इतनी मेहनत से मेरी खूबसूरत आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी गर्म हो चुका है, तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, वो देख सकते हो आप, वो जो नीचे है लिफाफा जो पीस लगाया है वो ब्लैक पड़ चुका है, आप देख के हीट का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हुआ होगा 9 वोल्ट की सिर्फ सप्लाई से, और बैटरी में एम्पियर ज़्यादा होता है, तो आप सोचो क्या कांड होगा अगर आप बैटरी 9 वोल्ट की लगा दें। तो फ्रेंड्स नाइक्रोम वायर के साइज़ में थोड़ा फ़र्क होता है, जैसे कि मोटापे में आप जान लो, जो मैंने ये वायर यूज़ किया है जेक शोल्डिंग आयरन की, जो कि काफ़ी ब्रीक होती है हमारे एक बाल जैसी, तो जो होती है प्रेस की वो थोड़ी होती है इससे मोटी, तो आप शायद उसे ज़्यादा पावर आपको देनी पड़े, और अगर इसकी जगह आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हो, हेयर ड्रायर जो होता है ना, हॉट एयर गन भी, उसमें भी हॉट एयर गन में भी ये एलिमेंट एक लगा होता है, वो भी वायर आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बातें हो गई, ये देखिए टेस्ट आपको